और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनावों की लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ, 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 7 राज्यों की ये 13 विधानसभा सीटें हैं जिस पर उपचुनाव किए जाएंगे। इसमें बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को 7 राज्यों की इन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब की 1-1 सीट पर उपचुनाव होना है। बात करें अगर उत्तराखंड की तो यहाँ की 2, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु की 1-1 सीट पर उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को इन 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव 10 जुलाई को होने वाले हैं। इन 7 राज्यों में कौन कौन सी सीटें हैं ये भी आपके सामने तस्वीर सामने है। बिहार की 1 है, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव है। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषि, ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। हाँ, देखिए, जैसे कि अभी चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आया है, 13 सीटों पर उपचुनाव हैं विधानसभा के, और जिसमें बेहद महत्वपूर्ण हिमाचल की 3 सीटें हैं, जैसे कि आपने बताया, पंजाब की 1, उत्तराखंड की 2, मध्य प्रदेश की 1, तमिलनाडु की 1, पश्चिम बंगाल की 4 और बिहार की 1 सीट। नोटिफिकेशन इस महीने की 14 तारीख से और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 21 तारीख से शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं 10 जुलाई को मतदान है और 13 जुलाई को इसकी मतगणना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि खासतौर से अभी लोकसभा चुनावों के बाद, हालांकि अभी कुछ जगहों पर उपचुनाव भी हुए थे और विधानसभा चुनाव भी हुए थे, ये सीटें इस मायने में और महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनावों के ठीक बाद खासतौर से हिमाचल में 3 सीटें हैं जहाँ पर सरकार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार है, तो वहाँ पर भी इन सीटों का बेहद महत्व बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो ये चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन अभी जो जारी हुआ है उससे 13 सीटों पर चुनाव 10 जुलाई को कराए जाएंगे। ऋषि, अब जब 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, निर्वाचन आयोग किस तरीके की तैयारियां करेगा? जहाँ तक चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो हम जानते हैं चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुए हैं तो जो इलेक्टोरल रोल है वो सबसे पहली जरूरत होती है, तो वो तो तैयार है ही। इसके अलावा जो सुरक्षा है और जो चुनाव प्रबंधन की, चाहे वो ईवीएम और वीवीपैट की वहाँ पर रवानगी करके जो पूरा चुनाव कराया जाना है, साथ ही साथ जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको तैनात किया जाएगा। और इसमें जो चुनाव की तैयारियों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो तमाम इलेक्शन कमीशन की जो ऐप हैं उनके माध्यम से जो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक एम्पावरमेंट है, खासतौर से सी विजिल ऐप के माध्यम से, उनको भी आयोग अपनी तरफ से जारी करके लोगों के बीच में इसको पॉपुलर करता है ताकि उन्हें इनपुट मिलते रहते हैं और उसी आधार पर कार्यवाही भी होती है। जी ऋषि, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लिया, उसके बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है राजनीतिक पार्टियों के लिए भी? राजनीतिक पार्टियों के लिए तो जरूर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दलों के बीच में रहता है कि एक बार और कुछ करने का मौका मिलता है, मुझे लगता है इस तरीके की कवायद एक बार फिर से देखी जा सकती है इन जगहों पर। अब पश्चिम बंगाल में भी 4 सीटें हैं तो वहां पर भी इस चीज को देखा जा सकता है, क्योंकि ताजा लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद इन सब चीजों इन जगहों पर जो चुनाव होंगे उससे आगे की दिशा किस तरीके की, राज्य की जो राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा इन चुनावों का, उस पर ज्यादा महत्व रहता है। जी, साथ ही साथ ऋषि आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिला है या ज्यादा परसेंटेज मिली है, वोटिंग शेयर मिला है, क्या विधानसभा चुनावों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस राजनीतिक दल के पास वोट परसेंट ज्यादा है और हालांकि उसकी सीटें मान लीजिए कम है, तो उसके पास एक रीजन होता है फाइट में जाने का कि उनके पास वोट शेयर ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से उन सब चीजों पर फाइट करने में उन्हें मदद मिलती है, तो वोट शेयर का एक अलग महत्व होता है। हालांकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी संख्या जो विधानसभा या लोकसभा की सीटें होती हैं जिसके पास ज्यादा होती हैं उसी के आधार पर होता है, लेकिन वोट शेयर उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है कि वो चुनावों में अपनी भूमिका को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ऋषि, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।